Hello guys, it's Vanshika Nanda. Assalamu alaikum everyone, my name is Gul and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान आर्मी मोस्ट पावरफुल सीक्रेट वेपन ऑफ गाजी वन एंड गाजी टू। ये हम सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स वेपन्स, और लाइक पाकिस्तान, ये हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो अपने वेपन्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इवन इंडिया के कंपेरिजन भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जो हाँ पाकिस्तान के वेपन्स एक से बढ़कर एक रहते हैं। और इन्होंने इस बार पाकिस्तान ने एक नया वेपन बनाया है गाजी वन और गाजी टू करके, तो मैं इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसे होने वाला है, कितना ज्यादा पावरफुल है, कि क्या चीजें कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो सीरियसली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल यार, मैं खुद इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है वेपन्स का, और स्पेशली सीक्रेट वेपन्स ऑफ आर्मी, तो ये तो सीक्रेट ही होता है ना, और मुझे तो नहीं पता इस वीडियो में क्या होने वाला है और कौन सा ऐसा नया वेपन बना दिया है, वो देखने के लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करें। हाँ तो देखते हैं फिर वीडियो कैसी होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नासिर रामी, जैसा कि हमने बहुत से वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान अस्करी हथियारों के लिहाज से बहुत तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन को भी खास तकलीफ है और वो पाकिस्तान के प्रोग्रामों को सबूताज करने की कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें हमेशा नाकाम हुई है। दूसरी आम बात यह है कि पाकिस्तान अपने अक्सर हथियारों को खुफिया रखता है, लेकिन जब कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है तो पाकिस्तान फिर इसे बताता है कि संभल के रहना, हमारे पास तुम्हारी हरकतों का तोड़ मौजूद है। नासिर रामी, आज हम जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान ने एक वक्त तक खुफिया रखा हुआ था, लेकिन अब जाहिर कर दिया गया है। इसका नाम गाजी वन और गाजी टू है। ये एक खुफिया इलेक्ट्रॉनिक हथियार है, ये किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। इसके बारे में हम आगे चल कर तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नासिर रामी, पाकिस्तान का गाजी टू हथियार इस कदर खतरनाक है कि इसके साथ पूरी दुनिया में किसी भी मुकाम को तबाह किया जा सकता है, किसी भी चीज को तबाह किया जा सकता है। दुश्मन के टैंक हों या त्यारे या मिसाइल, इनको तबाह करने के लिए काफी है। पाकिस्तान का गाजी वन हथियार भी एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार है, जिसमें से लहरें निकलती हैं, जिस जिस चीज से टकराती हैं आग लगा देती हैं। अगर इसको किसी त्यारे पर फायर कर दिया जाए तो इसे तोड़कर दो टुकड़ों में तब्दील कर देता है, और अगर टैंक पर फायर किया जाए तो टैंक जलकर भस्म हो जाएगा। पाकिस्तान का गाजी टू एक खुफिया डिवाइस है जो इतनी ताकतवर है कि इसके जरिए किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए चंद मिनट की बात है। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ना अमरीका, ना इसराइल और ना ही भारत इस डिवाइस से बच सकते हैं। इसलिए इस डिवाइस से जो खतरनाक लहरें निकलती हैं वो चंद ही सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। इसके जरिए किसी भी जगह पर आग लगाई जा सकती है। नासिर रामी, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये डिवाइस खला में छोड़ी गई है जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाती रहेगी, और इसके जरिए किसी भी एक मुल्क को काउंटर किया जा सकेगा। इस डिवाइस के अंदर कई खतरनाक लहरें मौजूद होती हैं, इंसान दंग रह जाता है। ये सैटेलाइट के जरिए खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया है। नासिर रामी, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि कोई लेजर किस्म की डिवाइस है जिसमें से लहरें निकलती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें से एक और ताकतवर किस्म की लहर खारिज होती है जो किसी भी चीज को पल भर में भस्म कर देती है। ये डिवाइस पाकिस्तान के आर टेक्नोलॉजी कारपोरेशन ने तैयार की है। इसकी तैयारी 1995 में शुरू की गयी थी, और कहा जा रहा था की
20 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2015 तक मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने हस्बे दस्तूर इसे खुफिया ही रखा हुआ था। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि जब किसी भी मुल्क पर फायर किया जाएगा, इसमें से 60 मेगावाट के बराबर तवानाई खारिज होगी, और ये इतनी बड़ी तवानाई है कि पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इसमें से जो नहरें निकलेंगी 1 सेकंड से भी कम वक्फे में निकलेंगी और पल भर में जिस चीज से टकराएंगी उसको जला देंगी। जब भारत ने अपना एटमी धमाका किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और उस वक्त पाकिस्तान ने भी बताया था कि हमारे पास भी एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है। उस वक्त भी भारत और अमरीका सेटअप के रह गए थे, और इसराइल में भी खलबली मच गई थी कि पाकिस्तान ने कितनी जल्दी एटमी ताकत हासिल कर ली है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का एटम बम भारतीय एटम बम की निस्बत 3 गुना ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा तबाही फैला सकता है। ये खबर भी सुनी जा रही है कि भारत अपने किसी हथियार पर खुफिया तरीके से काम कर रहा है। ये हथियार कौन सा है? जब मंजरे आम पर आएगा तो इसका इदराक सबको हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे खुफिया रखा जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने हथियारों को खुफिया रखता है और वक्त आने पर जाहिर कर देता है। अब अगर भारत का ये काली नामी हथियार सामने भी आ गया और इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें जो तवानाई खारिज हो सकती है इसके अंदर 40 मेगावाट तक बताई जा रही है। अब अगर भारत ने ये काली हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो फिर पाकिस्तान भी अपने इस हथियार को सामने ले आएगा। जहाँ तक भारत के काली हथियार का ताल्लुक है, हम आगे चलकर इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। शुक्रिया। नरसिंह रामी, जैसा कि हमने बताया है कि गाजी 2 खला में गर्दिश करता रहेगा, और अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये उस वक्त गाजी 2 को ऑपरेट कर दिया जाएगा और दुश्मन के परखचे उड़ा दिए जाएंगे। जब इसको ऑपरेट करने के बटन दबाया जाएगा तो फिर एक क्यामत का नमूना वो मुल्क देखेगा जिस पर ये चलाया जाएगा, और इसके नतीजे में जो तबाही आएगी वो भी किसी क्यामत से कम न होगी। एक आग होगी जो हर तरफ लग जाएगी, और जो भी इसकी लपेट में आ जाएगा भस्म हो जाएगा। ये इतना खतरनाक हथियार है कि हजारों मील का रकबा पल भर में जलकर राख कर देगा। इसके साथ हमसाए मुल्क पर भी पड़ सकते हैं। इस डिवाइस को चलाने के लिए एक बटन दबाने की जरूरत है, और इसके अंदर से निकलने वाली जो बीम ने काम करना है इसका तोड़ किसी के पास ना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस से पल भर में किसी भी मुल्क को भस्म किया जा सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया कि पाकिस्तान ने गाजी 1 को भी एक्टिव किया हुआ है, जो कि इतना खतरनाक है कि ये अपनी बीम की ताकत से किसी त्यारे को 2 टुकड़ों में तब्दील कर सकता है। ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने ये डिवाइस जंगी त्यारों में लगाने का भी इंतजाम कर लिया है, और उन त्यारों की मदद से इस डिवाइस को फायर किया जाएगा। इस डिवाइस को पाकिस्तान की एक टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। इसके अंदर होम किस्म की लेजर बीम इस्तेमाल की गई है। ये इदारा जिसने लेजर गन तैयार की है इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी सिलसिला मारगले में वाक़ है। ये इदारा 1994 को कायम किया गया था, जिसमे 400 के करीब माहरीन मौजूद है। इस इदारे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के माहिर अफराद शामिल है। ये इदारा पाकिस्तान आर्मी के हर किस्म के हथियार बनाने में महारत रखता है। इसके साथ साथ खुफिया हथियार को बनाने में भी इसको एक खास मुकाम हासिल है। जहाँ तक गाजी 1 का ताल्लुक है, इसको एक खुफिया हथियार के तौर पर तैयार किया गया है। खुफिया डिवाइस इसलिए इसको कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ना इसकी आवाज आती है और ना ही दुश्मन को इसका पता चलता है कि कब फायर किया गया, और ना ही कोई दिफाई निजाम इसको डिटेक्ट कर सकता है। नरसिंह रामी, यहाँ एक और बात भी आपको बताते चलें कि चीन ने भी भारत के खिलाफ इस किस्म की लहरों को इस्तेमाल करके भारतीय फौज को इस तरह बीमार कर दिया था कि इनको पता ही ना चला कि इनके साथ क्या हुआ है। चीन ने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था, और इन वेव्स इतनी ज्यादा हरारत पैदा कर दी गई थी कि भारतीय फौजियों के जिस्म जलने लग गए थे और इनको कुछ ना पता चला, और वो बुरी तरह ज़हनी बीमारी का शिकार हो गए। इस तरह जो हथियार पाकिस्तान ने बनाया है वो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करता है। ये 1 सेकंड में दुश्मन के सीने से आर पार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान। देखने के बाद ना मुझे तो इतना
बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा कि हम लोग के पास इतनी खतरनाक डिवाइस है। और लाइक मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कभी ऐसा मौका आए ही ना, कभी ऐसा कोई टाइम ना आए कि हमें वो डिवाइस यूज़ करनी पड़े। अगर हमें वाकई ही है तो हम कभी भी हम लोग वेपन यूज़ ना करें, कभी ऐसा टाइम ना आए। इतना ख़तरनाक हथियार देख के यार दुश्मन को मारने को भी दिल नहीं करता, तो कभी भी ना ऐसा टाइम हो। अल्लाह करे हम लोग की सुलह हो जाए सबकी, इंडिया पाकिस्तान। क्या यार ये हम लोगों ने खुद ऐसी बातें जनरेट की जो पहले गुजर के गुजर गया ना, बस ठीक है। लेकिन अब जो है हमें भूल जाना चाहिए सबको, लाइक न्यूट्रल हो जाना चाहिए इस मामले में। क्या यार अब जंगों में क्या पड़ा हुआ है, तो ना मुझे ये देख के अफसोस हुआ है। और बाकी जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान ने ख़तरनाक वेपन जो है रेडी किया है गाज़ी 1 और गाज़ी 2, लेकिन मेरे जहन में तो एक बात आ रही है कि जो इंडिया है मैंने सुना है कि वो आईटी में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आगे है। आईटी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंडिया के पास है, तो फिर वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने इंडिया से ज़्यादा अच्छा वेपन बना लिया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में भी एक उन्होंने ऐसा सीक्रेट हथियार उन्होंने भी तैयार कर रखा है, तो अब पता नहीं वो कब मतलब हमें जाहिर होगा, या फिर जैसे उन्होंने बताया कि कब काला त्यारा बोल रहे थे, पता नहीं क्या ब्लैक कुछ बोल रहे थे, तो उस नाम से है। तो ना बस यार मेरा ना मुझे ना सांस फूल रहा है सच में। ये मैं आपको ऐसे बातें नहीं करी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है देखने के बाद। मैं नहीं चाहती कि जंग शंग हो, मुझे बहुत डर लगता है। बस सुलह हो जाए सबकी, और ये वेपन जैसे तैयार हुए हैं बस ये पड़े ही रहे, कभी इस्तेमाल ना हो, बस ये कहूँगी। सीरियसली गर्ल, मुझे भी लिटरली जब मैं ये देख रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ऐसे खुद भी, कि मेरे ऐसे थे कि हाँ यार क्यों हम लोग। यार देखो फॉर एक बात बताओ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हम लोग कितना ज़्यादा पैसा इन वेपन्स में फूंक रहे हैं। देखा जाए मतलब पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा, जितना मैंने अभी तक सुना है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसा अपना वेपन्स में लगा रहा है, अपनी मिलिट्री भी लगा रहा है। क्यों, किस लिए, किस यार हम लोग एक ना एक शांति से भी तो रह सकते हैं। यही पैसा अगर आप आम आदमी पे लगाया गया तो सीरियसली हाँ इंडिया और पाकिस्तान में भुखमरी नहीं होएगी। कोई किसी को मतलब ऐसा नहीं होएगा कि 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, वो दिन भी नहीं आएगी। इतना ज्यादा मतलब है हो गया है कि, और सीरियसली मुझे जब मैं देख रही थी, अगर गाजी 1 और गाजी 2 की बात करें तो इतना ज्यादा पावरफुल, जैसे इन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप मतलब डाल दो कहीं पे तो वो जगह ही खत्म हो सकती है। इवन इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो किसी एक कंट्री को खत्म कर सकता है, तो आप बोल सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर इन्होंने बोला कि इंडिया भी एक सीक्रेट वेपन बना रहा है, तो मैं यही सोच रही थी यार हम लोग कितने ज्यादा पैसे फूक रहे हैं सिर्फ वेपन्स के पीछे। और आई होप वो दिन आए ना कि कभी भी ये वेपन्स का यूज होए, क्योंकि यार मैं एक सही बात बताऊं, जब ना अभी मतलब वापस अभी कुछ टाइम पहले वो कश्मीर का चल रहा था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का, तो सीरियसली लाइक जैसे हम लोग है तो हमारा ना माउंटेन एरिया पे घर है, तो सीरियसली हमारे घर से हर दिन हमें दिखता था कि हेलीकॉप्टर जा रहे जा रहे जा रहे, एक नहीं दो नहीं पांच पांच छह छह दस दस हेलीकॉप्टर जा रहे, तो सीरियसली दिन के जा रहे, तो सीरियसली बहुत डर लगता था कि लाइक सुबह के टाइम, दिन के टाइम, रात के टाइम, कि यार अब न्यूज आएगी, अब न्यूज आएगी, ये होगा वो होगा। तो यार वो चीजें ना सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आई होप वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो, जो चीजें खराब हो गई वो हो गई, तो आई होप हम और इन पे ज्यादा मतलब फोकस ना करे और बस ये शांति बनाए रखे। मेरा तो बस भगवान से इतनी प्रार्थना। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नया है तो प्लीज़ जरा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, घर में दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।